महेंद्र सिंह। महेंद्र जी क्या मामला है? सर कुछ भी नहीं है, तो मानसिक तौर से पागल थी। माँ बाप बिल्कुल गरीब है, जिसको बैठ तो पा नहीं सकते पास में। ये रोज मजदूरी करते हैं, रोज आटा लाते खाते हैं, जो इस हिसाब से हो तो उनकी पहले भी एक बार यहाँ आई थी। क्या नाम था भाजी का? पूजा। पूजा नाम के निवासी हो आप? हरीशपुरा के सर। हरीशपुरा से? हाँ सर। क्या उम्र थी? 13 साल। कब से लापता थी? सर ये 25 तारीख को शाम को 3 बजे से गायब थी सर। क्या हुआ? 25 तारीख से गायब थी शाम की ना, और हम तलाश कर रही, ढूंढा भी इसे, और आज सवेरे 8 बजे इसकी माँ को पता लगा, उसके गुरुदेव को फोन करके तो देख के वापस आई। पुलिस ने इतला करी और सदर थाना और मेला थाने की पुलिस आई। एक दिन सब आए थे, घर पर तंग करके इन्होंने बाहर निकलवाई और यहाँ रेफर किया जरावट में। तो ये लापता थी तो आपने क्या मामला दर्ज कराया था? तो आपको आज सूचना किसने दी? सभी रहते घूम रहे थे, पता नहीं लग रहा था। आस पास कुएं की तलाश भी करी साहब, जो सवेरे खुद की माई की थी ढूंढने के लिए, सभी गए थे अलग अलग ढूंढ रहे थे। माँ को मिली। क्या उम्र होगी बालिका की? 13 साल तक। क्या लगता है आपको, क्या क्यों घर छोड़ के गई थी? क्या नहीं तो ऐसे बोलते, 2-3 दिन पहले भी गम चुकी थी। अच्छा। लिया खेत से, कभी माल में से, कभी कहाँ से, 2-4 दफे पहले भी इसको पकड़ के लिया ढूंढ लाया। और इसको यहाँ झालावाड़ भी हॉस्पिटल ने पागल खाना यहाँ भी रखी थी हमने इलाज के लिए, पर यहाँ भी इलाज नहीं हो पाया, फिर वापस घर लिया। सर माँ बाप का सोचा था मैंने कि जयपुर में पहुँचा तो भाई है ना, इसका इलाज हो ही नहीं पाया था, मतलब कौन सी फटी थी दिल में।